जोहार हजारीबाग में फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। कल रात की घटना है, 11:30 के आसपास की घटना है, जब एक व्यक्ति से चाकू मारकर चेन छीन लिया जाता है। लगभग 2 से 2.5 लाख का चेन वो पहने रहते हैं और वो हैं मूनलाइट के मालिक है। होटल बंद करके जा रहे थे और क्या हुआ घटना जानते हैं। क्या हुआ था आपके साथ, होटल से वापस घर जा रहे थे, कैसे कहाँ पर क्या हुआ? हम लोग रेस्टोरेंट में अपना जैसे कि डेली 11 से 11:30 के बीच में निकलते हैं, अब लंच डिनर वगैरह किए हम लोग सब कोई। हम थे मेरा पार्टनर सुमित और 2-3 भाई लोग थे, हम लोग डिनर किए, वो लोग अपना गया, हम अपने गाड़ी से गए, वो अपने गाड़ी से गया। मैं घर पहुंचा, जैसे ही घर पहुंचा अंदर घुसा तब तक बोलू का, मैं सुमित का छोटा भाई, हमको कॉल किया कि ऐसे ऐसे घटना घट गई है, घर पे आइए जल्दी रंजय भैया, सो कोई चाकू मार के चैन वगैरह छीन लिया है। तो फिर वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पूरा ब्लड देखे, फिर वहाँ से लेके फिर तुरंत हम लोग। होटल कहाँ पे आपका? यहाँ होटल हमारा जबरा पार्क का जो गेट है उसी के बगल में, मतलब नेशनल हाईवे में। हाँ, नेशनल हाईवे में NH 33 में जबरा पार्क के बगल में मूनलाइट होटल है, वहाँ से ये और इनके पार्टनर जो है सुमित अभी क्षितिज हॉस्पिटल में भर्ती है, ICU में भर्ती है, क्योंकि 2 चाकू उसको मार दिया गया है, और उनके भाई है यहाँ पे। क्या हुआ था रात में, जैसे ये बता रहे हैं कि होटल गए और उसके बाद कैसे वहाँ पहुँचा? जैसे रात में 11:20 के लगभग में सुमित घर पहुँचा, घर पहुँच करके जैसे वो अपना गाड़ी से बाहर निकला तो गाड़ी वो चेक कर रहा था, चेक करके रोड की तरफ देखा, ठीक है, तो 2 आदमी उसको दिखा और वो हाथ ऐसे करके गया और वो लोग उस पर डायरेक्ट अटैक कर दिया, ठीक है। तो वो लोग एक चाकू उसको हाथ में मारा है, दूसरा चाकू उसको पैर में लगा है, जो बहुत ज़्यादा लगा है। फिर उन लोग जो है उसे गला से चेन जो है सो छीना, तो लोग जाते टाइम एक के हाथ में पिस्टल था, वो पिस्टल शायद हवा में फायर किया, ठीक है। तो पिस्टल का आवाज़ सुन करके हम घर से बाहर दौड़े, हम और मेरा छोटा भाई, और तुरंत उसको लेकर के हम लोग फिर रंजय को बुलाए थे, उसके बाद फिर सदर अस्पताल में हम लोग भर्ती किए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे स्टिचिंग हुआ, वहाँ से फिर हम लोग क्षितिज हॉस्पिटल में यहाँ पर। जैसे आपका घर जो है क्या एकदम रोड पे है, मेन रोड पे है? नहीं, अंदर गली में। गली में? हाँ, गली तो में। फिर गली में कैसे वो घुस के आ गया सामने? शायद वो जो है सो पहले से जो है पीछा कर रहा था, पे पता कर रहा होगा, क्योंकि हम लोग अमृत नगर के अलग अलग CCTV में भी जा करके हम लोग चेक किए, तो जैसे पहले इसका गाड़ी आया, ठीक है, क्रेटा इसका निकला, उसके पीछे स्कॉर्पियो जो है उसका 2 मिनट के बाद सुमित का निकला, उसके बाद एक बाइक पर 3 लोग, ठीक है, भोलू का यानी सुमित का पीछा कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद आगे थोड़ा दूर जा करके शायद वो लोग उसको ओवरटेक किए और कहीं पर जा करके वेट किए उसके गली में घुसने का, और जैसे वो गली में घुसा उसके बाद वो लोग जो है सो घर से थोड़ा ही दूर पर बाइक रोके और 2 लोग जा करके अटैक किए। ऐसा मतलब अचानक अटैक नहीं किया होगा, क्योंकि घर तो आपका बोल रहे हैं कि रोड गली में है। हाँ, गली में अचानक अटैक नहीं किया, जैसे वो लोग शायद भोलू उसको देख लिया इस वजह से अटैक किया, या फिर शायद ये क्या बोलते हैं चेन छीनने के चक्कर में अटैक किया। CCTV में दिखा कि वो फॉलो कर रहा था आप? हाँ, CCTV में दिखा कि वो फॉलो कर रहा है, ठीक है, गाड़ी के साथ ही पीछे से। और हम गाड़ी के साथ साथ पीछे पीछे आ रहा है, पीछे पीछे आया है। और अमृत नगर में, ठीक है, हम लोग ये क्या बोलते हैं ये इंसिडेंट होने के 2 से 3 मिनट के बाद का भी जब CCTV देखे तो मेरे दोस्त के घर पे जो CCTV देखे कि वही लोग वापस भी वही रूट में जा रहा था, वापस हजारीबाग की तरफ। हजारीबाग की तरफ वो CCTV हम लोग जो है कुछ भी अभी रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं उसको। तो हजारीबाग सिंघानी के आगे आप देखते हैं रोला एक जगह है, और उसी में जो हाईवे है NH 100 इसको कहते हैं, जो बागोदर चला जाता है, उसके पहले राइट साइड में इनका घर है, CCTV में जो देखने को मिल रहा है। तो वो लोग गाड़ी लगा के रोड पे फिर अंदर गया, वेट कर रहा था कि स्कॉर्पियो से जो है सुमित निकलेगा। जैसे ही वो पार्क करके गाड़ी निकला और घर जाने में बस कुछ सेकंड बाकी था, उसका गेट खोलता और वो घर पहुंच जाता अपने, तो चंद सेकंड के अंदर इसके ऊपर जो अटैक होता है। तो ये देखने वाली बात है कि कोई भी आदमी अगर किस तरह से रेकी कर रहा होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। तो क्या हमेशा हर दिन वो रात में अकेले जाते थे सुमित? हाँ, लगभग ये अपने होटल से वो लेट ही आता था, 10:30, 11 उसको बज जाता था, ठीक है, रोज नहीं, रोज उसके साथ ड्राइवर रहता था, लेकिन आज ड्राइवर नहीं था। ड्राइवर मतलब रोज रहता था? हाँ, ड्राइवर रहता था, आज सुबह से ड्राइवर दूसरे कार का सर्विसिंग के कारण बिजी था, उसके बाद वो घर चला गया था। आज अकेले मतलब वो? हाँ, हाँ, कल अकेले था, और अब मुझे लगता है कि इसी का मौका पाकर वो लोग अटैक किया। पहले से कुछ ऑब्जर्व कर रहा, ऑब्जर्व वो लोग कर रहा होगा उसको 3-4 दिन से पहले से। तो ये जो बता रहे हैं ये लोग कि चेन जो है वो लगभग 2-2.5 लाख का चेन वो पहनते थे, और सोना का चेन पूरे गले में पहनते थे, तो शायद जो है चोरी करने वाले या फिर बहुत पहले से फॉलो कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि आखिर ये कैसे होटल से घर जाता है, घर पहुंच के क्या करता है, ये सारा कुछ जो है ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तभी घर
घुसने से एक सेकंड दो सेकंड पहले की ये घटना है, यही है ना कि एकदम बेल बजाते और वो घर में होते। हाँ बस वैसा ही थे, अगर वो लोग नहीं होता वो घर जाता, गेट खुलता और वो अंदर घर में होता, मतलब इतना टाइम में एकदम हाँ, वो पकड़ लिया। लगभग ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 सेकंड का इंसिडेंट। गाड़ी के अंदर थे तो वो अटैक नहीं किया कि गाड़ी में है तो पॉसिबल नहीं है। हाँ गाड़ी से वो निकला, चेन छीनना पॉसिबल नहीं, चेन छीनना पॉसिबल नहीं। देखने से तो यही लग रहा है कि चेन छीनने वाला पूरा मामला है, और क्योंकि मारा, आप बोल रहे हैं गन भी था चाकू भी था तो कहीं और वार करके मार हाँ, भी सकता था, क्योंकि एक के हाथ में गन दिख रहा है हाँ, अब वो पता नहीं कौन सा गन था ठीक है, लेकिन गन से अटैक नहीं किया हाँ, चाकू से ही अटैक किया। चाकू दो चाकू मारने के हाँ, बाद वो लोग भाग गया, रुका नहीं। चेन छीनने के बाद भाग हाँ, गया। जैसे क्या हुआ कि दूसरा चाकू मारा तो सुमित गिर गया था, तो सुमित अचानक जब खड़ा हुआ तो वो लोग फिर दौड़ के वापस चला गया चेन छीन करके ठीक है, और शायद डराने के मकसद से या फिर पता नहीं क्या वो लोग फिर फायर किया कि वापस नहीं आए, वापस नहीं आए। तो देख सकते हैं यहाँ पे एकदम 2-3 लाख रुपए की चेन के लिए एक दूसरे को किस तरह से अपराधी जो हैं निशाना बना रहे हैं, और ये काफ़ी डेंजरस है। तो अब आप भी अगर 11:30 बजे बड़ी कार से, वो स्कॉर्पियो कार से भी अगर जा रहे हैं तो इस तरह की जो है प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा। कैसे करेंगे इस तरह की घटना जो हो रही है घर के बगल से एकदम? देखिए जो सुमित के साथ हुआ है तो ये तो उसका नॉर्मल रूटीन था हाँ। कि 10:30-11 बजे होटल से निकलना है, घर जाना है, और ये घर वालों को भी बहुत अच्छे से सब पता होता था। मैं उसके साथ डिनर किया होटल में, उस समय उसकी मम्मी का कॉल आया, वो बोला 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। फिर हम लोग सब अपने अपने रास्ते निकल गए। 15-20 मिनट के बाद मेरे को फ़ोन आया कि उस पर अटैक हुआ है। तो जिस तरह से अटैक हुआ है ये 100% डेफिनेटली रेकी किया गया है। कहीं होटल से तो फॉलो करते हुए नहीं जा रहा, 100% हो सकता है कि उसको ऑब्जर्व किया गया है, क्योंकि सीसीटीवी होटल में सीसीटीवी होगा ना। हाँ होटल में सीसीटीवी, वहाँ कुछ पता चला ऐसा? तो वहाँ वैसा कुछ पता नहीं चला, नहीं पता चला वहाँ पे, वैसा कुछ नहीं दिखा है। लेकिन यही है कि लोग प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप 2.5-3 लाख का चेन पहन रहे हैं तो लोगों का नज़र है, वो प्लान कर रहे हैं और वो मौका का तलाश में है। तो लोगों को अपना सेफ्टी तो रखना ही है, लेकिन साथ साथ ये बहुत बड़ा इशू है कि किसी के घर के गेट के बाहर, जो कि सबसे सुरक्षित जगह होता है एक इंसान का घर, वहाँ पे घुस के इस तरह का इंसिडेंट हो जाना, तो इसका तो छानबीन पुलिस कर रहा है। कोई और एंगल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि चेन का ही छीनने वाला। तो वीडियो हम लोग जब देख रहे थे सीसीटीवी, तो एकदम वो लग रहा था कि कुछ सेकंड में एकदम वेट कर रहे थे कि बस ये क्षण आएगा और वो चेन लेके भाग जाएंगे, फरार होंगे। वीडियो देखने से यही लग रहा था। सीसीटीवी फुटेज तो है चाकू मारते, वो उतना क्लियर चेहरा तो नहीं दिखा है, लेकिन ये सब इंसिडेंट पूरा कैद हो गया है। 11:20 के आसपास की घटना है, और ये रोला गांव है, सिंघानी के आगे रोला गांव है NH 100 में। और मूनलाइट जो होटल है वो जबरा पार्क के बगल में है। मूनलाइट होटल से सुमित जो है रात के 11 बजे निकले थे, अपने घर के लिए जा रहे थे, घर पहुँच गए थे, गाड़ी पार्क कर दिया था, गाड़ी पार्क करके घर का बिल बजाने ही वाले थे कि दो लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया। एक के हाथ में चाकू था, और एक चाकू हाथ में लगा उसके, एक चाकू पैर में लगा, और उनसे जो चेन छीन के वो लोग भाग गए। इस तरह की घटना से आप भी सतर्क रहें, और देखिए किस तरह से पुलिस जो है इसमें तफ्तीश करके गुनहगारों को पकड़ लेगी।